नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ अरुण गोस्वामी। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव एन वक्त पर निरस्त के ऐलान के बाद चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने सरकार से मांग की है कि चुनाव प्रचार में खर्च किए पैसे का मुआवजा मिलना चाहिए। बता दें, एमपी पंचायत चुनाव एन वक्त पर निरस्त करने से प्रत्याशियों को बड़ा झटका लगा है। इसके बाद प्रत्याशियों की सरकार से मांग है कि इस दौरान प्रचार सामग्री और गाड़ी पेट्रोल में हुए खर्च का सरकार मुआवजा दे। इसमें सभी प्रत्याशियों को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। विदेशा के सदस्य वार्ड संख्या 9 से जनपद सदस्य का चुनाव लड़ रहे राजेंद्र शर्मा ने भी इसे लेकर सरकार से मांग की है कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रचार सामग्री जैसे पैम्पलेट और अन्य तरीके से लाखों का खर्च हुआ है, इसका मुआवजा दे। उनका कहना है कि सरकार ने आखिरी समय यानी फर्स्ट फेज के मतदान से ठीक 10 दिन पहले चुनाव स्थगित किए, उससे प्रत्याशियों के पैसे बेकार चले गए, इसलिए सरकार को खर्च का मुआवजा देना चाहिए। कांग्रेस का भी समर्थन। पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की खर्च के मुआवजे की डिमांड को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। इसे लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन भर पोल खोल अभियान चलाएगी। पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह पोल खोल अभियान चलाएगी, जिसके लिए हर गाँव, हर शहर और हर कस्बे तक जाएगी। इसे लेकर जल्द मंडल सेक्टर जिला अध्यक्ष के साथ एक बैठक की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन प्रभार चंद्र प्रभारी शिखर ने बताया कि कांग्रेस ने पोल खोल कमेटी का गठन किया और भूपेंद्र गुप्ता इसको लीड करेंगे। पंचायत चुनाव 2014 के आधार पर कराने का प्रत्याशियों के साथ षड्यंत्र कर सरकार ने कैसे खिलवाड़ किया है, जनता के बीच उसकी पोल खोल जाएगी। बता दे कांग्रेस भी पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य के कैंडिडेट के खर्च का मुआवजा देने की मांग का समर्थन कर रही है। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे मेरे साथ। मैं हूं अरुण कुमार गोस्वामी।